हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिट्स किचन। आज मैं लेकर आई हूँ एक आसान सी रेसिपी और सबकी फेवरेट भी है, वो है ब्रेड पकोड़ा, जो कि बनाने में इतनी आसान और खाने में उतनी ही टेस्टी। तो चलो देर किस बात की, तो रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 बॉइल्ड पोटैटोस। इनको हमने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, अब हमने इसको ग्रेट कर दिया है। तो अभी हमने 2 से 3 ग्रेट किए हैं और अब डालते हैं ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे धनिया और 1 टीस्पून सॉल्ट और क्यूमिन सीड्स, भुना जीरा, आप घर पे रोस्ट कर सकते हैं इसको, और ग्रीन चिली चॉप्ड की हुई 2 ली हैं। यहाँ पर जिंजर पेस्ट लिया है, बिल्कुल कद्दूकस करना है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लेंगे और साथ में डालेंगे धनिए का पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ी सी अजवाइन, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ डो बन जाएगा। अब हम इसको साइड करते हैं। अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन आप पैकेट वाला मार्केट में इजीली मिल जाता है। और अब इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ ही डालेंगे रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और फाइनली इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, मेरी फेवरेट, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इन सबको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, फिर धीरे धीरे पानी डालेंगे ताकि एक अच्छा सा बैटर बन जाए। तो देखिए धीरे धीरे डालना है, एकदम पानी नहीं डालना, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बैटर को रेडी करके इसको 5 या 10 मिनट के लिए आप इसको रख सकते हैं, उसके बाद भी अगर थोड़ा सा पानी की रिक्वायरमेंट हो तो आप डाल दें। तो यहाँ पर बैटर थिक हो चुका है तो मैं और पानी डाल रही हूँ इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। अब ये बेसन का बैटर जो है रेस्ट कर चुका है। अब हम यहाँ पर पनीर लेंगे, पनीर को स्लाइसेस में कट करेंगे, मोटा या पतला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे सॉल्ट एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ताकि ये फीका ना लगे, तो इसलिए हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। और अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड हमने यहाँ पर व्हीट ब्रेड लिए, इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। 1 लेयर हमने ग्रीन चटनी की लगानी है और उसके ऊपर जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी उसकी पतली लेयर लगाएंगे, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना, नहीं तो ऐसे लगेगा कि स्टफ ही खा रहे हैं। तो बिल्कुल पतली लेयर लगानी है और साथ ही साथ हमने पनीर की लेयर भी एक एक लगानी है। तो इस तरह से हमने पूरा स्प्रेड कर देना है आलू को। और ये चटनी ग्रीन चटनी अगर ना हो तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर एक एक लेयर लगाएंगे पनीर की, इसके ऊपर मसाला लगा हुआ है, और अब इसको ब्रेड को इसके ऊपर कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको रख देंगे प्रेस करके, और इसको अब सेंटर से हम कट करेंगे 2 मिनट के बाद। तो देखिए हम यहाँ पर सेंटर से इसको कट करेंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हम प्रॉपर ब्रेड पकौड़े की शेप देंगे आज। तो इसी तरह से हमने सबको कट कर देना है, और देखिए अब इसमें तीनों लेयर्स कितनी अच्छी और नीट एंड क्लीन आ रही हैं। अब इनको 2 मिनट के लिए और रख देंगे, उसके बाद हम इसको अब हम बैटर में डिप करेंगे। अच्छे से इसको डिप करना है, पूरा इसको नला देना है ताकि बिल्कुल इसके ऊपर फीलिंग आ जाए, और इमिजिएटली इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल में हमने गरम कर लिया इसको, और अब हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए, और आप डबल फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे एक फ्राई करके बना कर रख दें, दूसरा फ्राई आप बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको कट करेंगे सेंटर से। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिट्स किचन। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।